हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बॉडल केमिकल्स कंपनी की डिटेल टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि हम यहां पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी की शेयर प्राइस पर। तो जैसा कि आप यहां देखते हो, इस कंपनी की शेयर प्राइस 108 रुपये 80 पैसा और एक दिन में ऑलमोस्ट 7% की तेज़ी हमें देखने को मिली। 5 दिन में ऑलमोस्ट 4% के पॉजिटिव रिटर्न दिए, 1 महीनों में 4% 5% के पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीनों में 16% के नेगेटिव रिटर्न, 1 साल के अंदर 20% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले 5 सालों में ऑलमोस्ट 30% के नेगेटिव रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 432% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। ऑल ओवर इस स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट होने के बाद काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो क्या इस शेयर को हमें खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? तो चलते हैं, करते हैं एनालिसिस। तो जैसा कि पहले हम बात कर लेते हैं कंपनीज के चार्ट पैटर्न पर। तो जैसा कि आप यहां देखते हो, इस स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, बट ऑल ओवर 150 रुपये का स्टॉक अभी हमें 108 रुपये देखने को मिला है। बट जब भी आप चार्ट ओपन करते हो तो पहले मंथली टाइम फ्रेम ओपन कीजिए ताकि आपका लॉन्ग टर्म का व्यू क्लियर हो सके। अगर हम यहाँ एक ट्रेंड लाइन्स बनाते हैं तो ऑल ओवर ये ट्रेंड लाइन्स को यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है और पिछला एक मोटा सपोर्ट भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं दोनों लाइन्स को डार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आप इसको अच्छे से एनालाइजिस कर सके। तो जैसा कि अगर हम यहाँ देखें, ऑल ओवर इसका जो चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, बुलिश चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर ये ऑलमोस्ट 130 रुपये के लेवल को प्रॉपर ब्रेकआउट करते हैं, क्योंकि यहाँ 2019 का एक रेजिस्टेंस है और एग्जैक्ट वही रेजिस्टेंस लेकर इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बुलिश हैमर कैंडल्स हमें देखने को मिल रहा है और आप यहाँ देख सकते हो ये पुराने सपोर्ट से भी यहाँ पे काफ़ी सस्टेन करके वापस जा रहा है। यानी ऑल ओवर इसका जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है बुलिश है। अगर ये स्टॉक ऑलमोस्ट 122 रुपये के लेवल को प्रॉपर ब्रेक आउट करता है तो स्टॉक में और हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर ये 140 से 150 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक में मेजर हमें जो तेज़ी देखने को मिलेगी, ऑलमोस्ट ये स्टॉक यहाँ से ऑलमोस्ट 200 रुपये तक भी जा सकता है। बट ऑल ओवर इस स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट हो रही है। यहाँ पे अगर हम ब्रेकआउट की बात करें तो यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा तो और यहाँ पे पोजिशनल के लिए काफ़ी अच्छा हमें स्टॉक्स देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर ऑलमोस्ट ब्रेकआउट होने के लिए ये तैयार है। तो आपको इस स्टॉक पर नज़र रखनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, इसके फंडामेंटल्स के बारे में। तो जैसा कि हम यहाँ देखें, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1334 करोड़ का है, करंट प्राइस 109 रुपये, स्टॉक का लो 85 रुपये, स्टॉक का है 150 रुपये। और पी की बात करें तो 13.1 है, बुक वैल्यू 83 रुपये, डिविडेंट यील्ड 0.73%। कंपनीज यहाँ पर डिविडेंट भी दे रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.60 है, ठीक ठाक यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। डेप्ट इक्विटी की बात करें तो ऑलमोस्ट कंपनी डेप्ट फ्री है और ये जो कंपनीज है केमिकल सेक्टर की कंपनी है। अगर हम बात करें यहाँ पर क्वार्टरली प्रॉफिट्स के, तो कंपनीज के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट काफ़ी शानदार हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑल ओवर कंपनीज के जो प्रॉफिट्स हैं बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनीज का जो प्रॉफिट्स है काफ़ी शानदार और बढ़ते हुए देखने को मिला। जस्ट प्रॉफिट्स यहाँ पे डबल देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के बाद हमें बैलेंस शीट चेक करना है और आप यहाँ देखते हो कंपनीज के जो रिजल्ट्स हैं वो भी काफ़ी शानदार और बढ़ते हुए हमें देखने को मिले। कंपनीज के जो रिजल्ट्स हैं कंटिन्यूस यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनीज का जो बोरोइंग्स है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर कंपनीज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हो जाती है तो ये स्टॉक और भी आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। अगर हम बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी शानदार हमें देखने को मिली 58.94% की। FIIs ने भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है 3% का और DIIs के पास 0.14% के स्टेक्स है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 37% के स्टेक्स है। यानी कंपनीज के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहे हैं। बट अगर आप इस कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ये आपके लिए होगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।